नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं, चुनावी पारा अपने चरम पर है। कुछ ही समय में अब वोटिंग होने जा रही है, लेकिन इसी बीच बीजेपी और कांग्रेस के बीच में आपसी रंजिशों का दौर चल रहा है। कांग्रेस के नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार चल ही रहा है, या फिर कह सकते हैं कि अब इतना बढ़ चुका है कि खुद कांग्रेस पार्टी इस समय असमंजस में है, इस दुविधा में है कि आखिर करें तो क्या करें, क्योंकि जो भी नेता पार्टी का हाथ छोड़ रहा है वो बीजेपी में शामिल होकर कांग्रेस के कच्चे चिट्ठे खोल रहा है। और अब जिस नेता ने पार्टी छोड़ी है उन्होंने कांग्रेस की ऐसी फजीहत की है कि कांग्रेस पर राम विरोधी होने का ऐसा आरोप लगाया है कि खुद आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। दरअसल कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता और आईटी सेल के मुखिया रहे रोहन गुप्ता भाजपा में शामिल हो चुके हैं। भाजपा की शरण लेते ही उन्होंने कांग्रेस की ऐसी पोल खोली, कांग्रेस पर ऐसे ऐसे आरोप लगाए कि खुद कांग्रेसी भी सुनकर दंग रह जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सनातन के अपमान पर कांग्रेस में उन्हें चुप रहने को कहा जाता था। रोहन गुप्ता ने भाजपा की सदस्यता लेने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, खुद सुन लीजिए। स्ट्रेटेजी, एक मैसेज जो पीपल में देना होता है कि आपका विरोधाभास कितना है। जो हमारे एक है जो थे कम्युनिटी जिनके नाम में राम है, वो सनातन के जब अपमान हो रहा था तो हमको ये कहा गया कि आप चुप रहिए। देश के नाम का एक गठबंधन बनाया गया पर उसमें देश विरोधी ताकतों को जोड़ा गया। जिस केजरीवाल जी को कांग्रेस पार्टी ने आज खालिस्तान के साथ जुड़े होने के आक्षेप किए, वो चुनाव का पूरा में इंचार्ज था पंजाब में, आज ऐसी क्या मजबूरी है कि आप उनके उनके लिए लड़ रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार के लिए। इतना बड़ा विरोधाभास नहीं हो सकता है। आज देश के सामने आप जाते, आपका नैरेटिव बहुत क्लियर होना चाहिए। जिस ईवीएम के कारण आप दो चुनाव जीते आप उस पर सवाल उठा रहे हैं, और ऐसे कितने विरोधाभास, मैं आपको बोले उतने विरोधाभास नाम करने को तैयार हो। हर जगह पे आपकी जो पॉलिसी है, आप लेफ्ट पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं वो देश के खिलाफ है। कौन सी बात कर रहे हैं भाई साहब, आप सीए की बात कर रहे हैं, वो जो कायदा था जो कांग्रेस ने मांगा था कि इट इज फॉर गिविंग सिटीजनशिप, आप उसका विरोध कर रहे हैं। कल एक कांग्रेस के नेता ने कहा कि नहीं हम तो मध्यम वर्ग के ऊपर टैक्स लगा दे, कि आप महंगाई की बात कर रहे हैं। सो ऐसे इतने एग्जाम्पल के जब तक आपका हर चीज में विरोधाभास रहेगा कैसे देश आप पे भरोसा करेगा। रोहन गुप्ता ने कांग्रेस को दोहरे चरित्र वाली पार्टी बताते हुए निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस ईवीएम के कारण कांग्रेस जैसी पार्टी दो चुनाव जीती उस पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस केवल राम भगवान की ही नहीं बल्कि सीए का भी लगातार विरोध करती आई है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए रोहन गुप्ता ने कहा कि 60 सालों तक लोगों ने कांग्रेस को इसलिए सत्ता दी क्योंकि यहाँ राष्ट्रवाद, औद्योगिकरण और सनातन धर्म का सम्मान करने वाली पार्टी थी। और अब गौरतलब है कि रोहन गुप्ता ने कांग्रेस की सदस्यता से 22 मार्च को इस्तीफा दिया था, जिसके लिए उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी पत्र लिखा था। हालांकि जो हाल इस वक्त कांग्रेस का चल रहा है उससे अब इतना साफ हो गया है कि आने वाले समय में विपक्ष की हालत अब भी खराब होने वाली है, क्योंकि रोहन गुप्ता कोई पहले नेता नहीं है जो बीजेपी में शामिल होकर कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले गौरव वल्लभ भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और साथ ही साथ उन्होंने भी कांग्रेस पर सनातन विरोध के कई गंभीर आरोप लगाए हैं। यही नहीं, इससे पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम को जब कांग्रेस ने बाहर निकाला, पार्टी से निष्कासित किया, तो उस दौरान आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी सनातन विरोधी आरोप जो है वो कांग्रेस पर लगाए। यानी कि एक आदमी झूठ बोल सकता है, लेकिन हर कोई शख्स जो कांग्रेस से बाहर आ रहा है उनमें से ज्यादातर लोग जब सनातन विरोध का ही दावा कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर, तो फिर उस पर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।